आज हम थोड़ा सा अपने सामाजिक परिवार के साथ जो बातचीत का स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ है, और जो मैं बीच बीच में करता हूँ कि कभी कोई नेता होते हैं, कभी कोई पॉजिटिव काम करने वाले लोग होते हैं, अभी तो उसी कड़ी में आज एकदम से अलग हटकर बातचीत है। साहित्यिक दुनिया की बातचीत, कला की दुनिया की बातचीत है, और जिनके साथ आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, अनंत विजय जी एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण, और अनंत जी का जो सबसे बड़ा मैं कहूं कि अगर एक बड़ी पहचान के तौर पर, तो अनंत जी उन वामपंथी बारीक बदमाशियों को पकड़ते हैं जिसको शायद कई बार हम लोग अनजाने में छोड़ देते हैं, जिनको हम समझते हैं जैसे ठीक है ये तो स्वाभाविक सा तरीका है, कला का तरीका है। तो आज हम बात करेंगे, और जो मूल मुद्दा है वो है ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है, और खास करके जो वेब सीरीज बनती है उसमें, और अभी जो ताजा सीरीज आई है पाताल लोक, तो हम उसी पाताल लोक के संदर्भों की बात करेंगे, उसमें पक्षपात की बात करेंगे, और एक और बात करेंगे क्या ये जो ऐसी वेब सीरीज में पाताल लोक की बात करें तो जो उसमें अलग अलग तरह के पाप दिखाए जाते हैं, तो पाताल लोक के पापी स्क्रीन वाले हैं या फिर जो उसके पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं वो उसके पापी हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपने अभी मैंने देखा कि जागरण में उस पर आपने लेख भी लिखा है पाताल लोक में भारी पक्षपात का परिणाम, तो शुरुआत हम यही से करें कि ये सीरीज से ही अगर हम बात करें तो क्या आप शुरुआती टिप्पणी करेंगे इस पर, अगर कहें कि सबसे पहले चर्चा आगे बढ़ाने के लिए तो पाताल लोक के बारे में आपके। दरअसल अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में यही कहा कि हम साहित्य कला और इस तरह के क्षेत्र से कभी कभार बातचीत करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कभी कभार को थोड़ा नियमित करिए और थोड़ा ज्यादा करिए, क्योंकि ये हिस्सा भी समाज का एक, मतलब ये मेरा अनुरोध है आपसे जरूर हर जरूर जरूर प्लेटफॉर्म, सर। क्योंकि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से समाज का एक बहुत परोक्ष रूप से समाज निर्माण में इनकी भूमिका होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो पाताल लोक का प्रश्न मुझसे पूछा है, उस पाताल लोक के बहाने एक विचारधारा विशेष को आगे बढ़ाने का जो उपक्रम दिखाई देता है, दरअसल मनोरंजन की दुनिया में कलात्मक सृजनात्मकता के नाम पर छूट लेकर अपनी विचारधारा को जनता पर आरोपित करना, और उसको मतलब क्या कहते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य अपने विचारधारा को सत्तारूढ़ कराना होता है, और इस काम में इतने शटल तरीके से सब कुछ चलता है कि आपको ऊपर से लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही मनोरंजन की दुनिया है, कलाकार हैं, कलाकारों को छूट दे देनी चाहिए। मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण कई बार देता हूं कि आज में प्रसंग है, आपने फिल्म देखी होगी मुक्काबाज, उत्तर प्रदेश में मुक्केबाजी को लेकर तमाम समस्याओं, राजनीतियों, दांव पेच आदि को उस फिल्म में दिखाया गया है। बगैर किसी संदर्भ के एक संवाद उसमें आता है, और एक हीरो आता और वो कहता है वो आएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, क्या करके चले जाएंगे। अब इस वाक्य का अगर आप विचार करें तो मुक्केबाजी से क्या लेना देना है, ठीक है इसका वाक्य संरचना पे अगर ध्यान दें तो जय श्री राम बोलेंगे, आप क्या इंसिन्यूएट कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो भी स्पष्ट हो जाता है जनता पर, बहुत कायदे से स्पष्ट हो जाता है। तो पाताल लोक जो वेब सीरीज है, इसके जो मल्टीपल एपिसोड्स हैं, इसमें आप देखेंगे तो एक इसी तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश, यहाँ तो परोक्ष भी नहीं, यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है कि जिस जिस एक मेरा मानना है कि ये तरुण तेजपाल की किताब द असैसिन्स पे बनाई गई है। अब लेकिन लेकिन ये जो आपने सवाल किया है मंत्र की, आप बार बार ये कह रहे हैं और मैं सवाल के तौर पर इसको लेके आता हूँ कि यहाँ तो जो फिल्म निर्माता है जो लोग हैं ये चर्चा चलाई जा रही है और खास करके वामपंथी फिल्म द्वारा है जो लेफ्ट लिबरल है, तो ज्यादा अच्छा शब्द है, तो जी उनको ये कहा जा रहा है कि ये तो देखिए खुद ही बेचारे तरुण तेजपाल जी उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको उनका नाम तक नहीं लिया, उन्हीं की किताब पे सब कुछ बनाया है, अगर उनकी किताब पर कहानी है उनको क्रेडिट नहीं दिया, एक तरह से हक तो उनका मान लिया गया।
ये भी एक वो जो मेरी किताब है ना, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, दरअसल ये अर्ध सत्य है। सत्य कुछ अलग है, लेकिन चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है इसलिए कहा नहीं जा सकता। जिस साहित्यिक हलके में उनके हक मारने की बात, या जिस सिनेमा मनोरंजन के क्षेत्र में उनके हक मारने की बात चल रही है, उसी क्षेत्र में ये भी चर्चा अंदर खाने चल रही है। बताऊं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन चर्चा तो चर्चा होती है, और जहां आग होती है धुआं वहीं से निकलता है। कि जी तरुण तेजपाल जी ने पहले इसको राइट्स बेचे थे अपने उपन्यास के, बाद में लगा कि अगर तरुण तेजपाल जी का नाम जाएगा तो हो सकता है कि राइट विंग इसको ठीक तरीके से ना ले और इसके बायकॉट आदि की अपील हो जाए, और ये जो भी मत, तो बैकलैश से बचने के लिए उनके नाम को हटा दिया गया, और इसके एवज में उनको और मुआवजे की राशि शायद बढ़ा दी गई है। मुझे, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लेफ्ट लिबरल की बात आप कर रहे हैं कि एक नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, तो एक पैरेलल नैरेटिव ये भी चल रहा है। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि अगर उस किताब पे आधारित नहीं है तो पात्रों में और स्थितियों में इतनी अधिक समानता है कि अब तक तरुण तेजपाल को इस सीरियल पर प्लेगरिज्म का केस कर देना चाहिए था। हथौड़ा नहीं, त्यागी उनके उपन्यास में एक पात्र का नाम है, जो इसका भी एक प्रमुख पात्र है। जी, लेकिन आपने जो लिखा है पाताल लोक पक्षपात का पलड़ा भारी, उसमें एक बात आप कह रहे हैं वो जो ज्यादा लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि इसमें जानबूझकर पात्रों को बदल दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है, सिर्फ इतना भर नहीं है कि अगर तरुण तेजपाल का नाम होता। आपने ये भी कहा है कि पात्रों को जानबूझकर बदल दिया गया, पूरी तरह से जो मुस्लिम चरित्र थे वो गायब कर दिए गए, कुछ और कहानियां उसमें है जो उसके पीछे भी जो आपने लिखा है उसको मैं रविस्तर आ मैं जाना चाहिए। मैं मैं त्रिपाठी जी उसी पे आता हूँ आपको। अगर आपको याद हो तो अटल जी के समय में एक बहुत स्टिंग, बहुत बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जी और उसके बाद एक खबर आई थी कि दुबई में बैठा हुआ एक माफिया डॉन ने तरुण तेजपाल को मारने की सुपारी बिहार के एक बाहुबली सांसद को दी थी। ये दोनों पात्र मुस्लिम है, वो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दोनों का नाम लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 2010 में दाखिल हुई है। जी तो उस चार्जशीट के हिसाब से दोनों पात्र मुसलमान है, कहानी वही है। यहां वो एक पात्र दुधलिया हो जाता है, दूसरा पात्र हथौड़ा त्यागी हो जाता है, और अगर और इसको दुधलिया थोड़ा ददुआ सा है ना, इसको दाऊद ददुआ बदलिया, बना देते हैं बहुत आसानी से। और उसमें एक और चीज है कि त्यागी उपनाम चित्रकूट में कहीं होता है क्या? मतलब मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं पर ये तो वेब सीरीज वाले इतने मूर्ख और अज्ञानी हैं, क्षमा करिएगा, कि इस तरह के अगर आप बारीकियों को पकड़ने लगेंगे त्रिपाठी जी, तो इनकी मूर्खताएं कदम दर कदम उजागर होती जाएंगी। एक सीरियल आया था, मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे, जामताड़ा, बैंकिंग फ्रॉड को लेके आया था। उसमें जी बिहार, झारखंड के दुमका के जामताड़ा में बैठ के चार लड़के बात करते कि कान के नीचे कंटाप खींच के मारे तो मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। बताइए, कंटाप पे तो कानपुर का कॉपीराइट है साहब, सही बात बिहार के किसी कस्बे में किसी शहर में कंटाप नहीं बोला जाता। नहीं हो जाता। नहीं, मैं इस संदर्भ से कह रहा था कि चित्रकूट का भी क्या चित्रकूट जानबूझकर ये कहानी ले जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पात्रों का चयन हुआ है और ये कहानी चित्रकूट पहुंचा दी जाती है, और खास करके आज के संदर्भ में पाताल लोक का जितने भी जो खतरनाक चरित्र हैं वो सब के सब चित्रकूट में पाए जाते हैं, मंदिरों में दिखाया जाता है, सीता पहन के दुर्गा जी होते हुए चले जाते हैं, ये सारे चरित्र उसमें दर्शाए गए हैं। सर, चित्रकूट का अपना एक अस्थायी महत्व है हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन और सनातन परंपरा में। तो अगर आप बगैर किसी संदर्भ के उसको जोड़ना चाहेंगे, या आप अपनी विचारधारा, देखिए, इस पूरे सीरियल में हिंदू प्रतीकों को अपराध का अड्डा बताया गया है, और किसी न किसी तरह से अपराधियों से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है, जो कि सायास है, अनायास ऐसा नहीं हो सकता कि आप चित्रकूट ले जाएं और चित्रकूट में त्यागी भी ले जाएं। मैंने जी आपको बताया कि त्यागी को बदलने का उद्देश्य कहां से आया, क्योंकि दोनों हिंदू पात्र को मुसलमान पात्र को हिंदू पात्र में बदलना था आपको, इधर उपन्यास से आपने प्लॉट लिया हुआ था, और आपकी मंशा थी कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना
जिसमें हिंदू धर्म प्रतीकों को अपराध से जोड़ दिया जाए कि मंदिरों में अपराध होते हैं, महंत अपराधी होते हैं, वो माफिया होते हैं। तो ये वही मानसिकता है कि गोली चलेगी तो आपके छाती में लगेगी, लेकिन 786 का बिल्ला आपको बचा लेगा। जी आपने कई फिल्मों में ये दृश्य देखे होंगे, है ठीक बात ना? और कई फिल्मों में आपने ये दृश्य भी देखा होगा कि हीरो क्रोध में आके भोलेनाथ से बहुत बहस कर रहे हैं और उनको मतलब बहुत स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक गुस्सा प्रकट कर रहे हैं भगवान पे। ऐसा दृश्य दूसरे भगवान के साथ आपने नहीं देखा होगा किसी ने। जी तो ये एक धर्म विशेष की उदारता और एक धर्म विशेष की कट्टरता को इंगित करता है। लेकिन सर एक और सवाल आता है, क्योंकि जब हम ये सब बात करते हैं और जो मूल चरित्र है जो संपादक जी हैं, तो एक तरह से जो लेफ्ट लिबरल जमात है उसके भी दुष्चरित्रों को, उसके भी जो तरीके हैं, उनके भी जो मैनिपुलेशंस हैं, खास करके जो न्यूज मीडिया को जो लोग जानते हैं, आप लंबे समय से मीडिया में ही है और टीवी अखबार सब में है, तो जो न्यूज रूम की जो चाणक्या है, शातिरपना है, जो बिजनेस लाने की ओर अचानक जो अंपायर डूब रहा होता है उसको कैसे एक डिफेंस ब्रोकर के जरिए फिर से वो तैयार कर देता है, या फिर जो उसके अपने न्यूज रूम की एक रिपोर्टर के साथ, जो नई रिपोर्टर है उसके साथ जो संबंध होते हैं जो आपने लिखा भी है, तो एक तरह से तो उस चरित्र को, ये सच्चाई से उस चरित्र को बताया गया है या इसे न्यू नॉर्मल करने की कोशिश की गई है कि देखिए वो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ओपन सोसाइटी जैसा है, आप इसको कैसे देखते हैं? सिनेमा वालों को या मनोरंजन की दुनिया को न्यूज रूम का मतलब यही होता है कि संपादक और उसके जूनियर कलीग में इश्क और शारीरिक संबंध, इससे आगे उनको न्यूज रूम का कुछ नहीं पता। आपने टेलीविजन में लंबे समय तक काम किया हर्षवर्धन जी, आप मतलब ये कभी कहीं आश्चर्य की बात नहीं होती कि 10 मिनट पहले संपादक आके पूरा रनडाउन बदल दे। ठीक मतलब बात मैंने तो 10 साल में कम से जाने कम सैकड़ों बार ऐसा देखा होगा कि हेडलाइन रोल हो रहा है और संपादक अंदर से, अगर हेडलाइन हमारे तो संपादक ही एंकर होते थे तो वो अंदर से कहते थे कि इस खबर को ऊपर ले लो, इससे बुलेटिन खोल लो। और वो तो बेचारा 10 मिनट पहले आके कह रहा है कि मैं एयर पे जा रहा हूँ, और उसपे इतने सबके चेहरे पे तनाव आ जाता है। पता नहीं किस दुनिया के टेलीविजन की वो बात कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी एक बार मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा कि टेलीविजन में कोई तनाव नहीं होता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में थे तो तब मैं थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक युवा था तो मैंने कह दिया था कि तनाव टेलीविजन में उसी को होता है जो काम करता है। तो जी है ना, तो खबर पढ़ने वालों को सचमुच कभी तनाव नहीं होता। आप तो जानते हैं, हम लोग डेस्क पे रहे हैं, हमने देखा है तनाव क्या होता है। एंकर्स को तो सवाल भी बताने पड़ते हैं और लाइव के समय अंदर खड़े होकर सवाल कान में उनके बताना भी पड़ता है कि आप ये पूछो। लेकिन एंकर्स को, पूरी दुनिया को ये लगता है कि सबसे ज्ञानी आदमी एंकर ही होता है। तो ठीक बात है इन सब बारीकियों का मनोरंजन की दुनिया को कुछ नहीं पता। उन्हें तो सिर्फ लड़की दिखाई देती है, कोई ग्लैमरस रिपोर्टर होगी। एक और मुंबई पर एक सीरियल बना था, उसमें भी संपादक है और एक लड़की है जो महत्वाकांक्षी है। दरअसल ये महिलाओं का अपमान भी करते हैं वो, जब वो ये दिखाते हैं कि लड़कियां अपने देह का इस्तेमाल अपने करियर को बढ़ाने के लिए जी करती है। तो ये बिल्कुल वो पूरे मतलब, और इस तरह से वो बताते हैं जैसे लगता है कि सारी लड़कियां ऐसे ही हों। मतलब कम से कम संदेश तो यही जाता है, उनकी मंशा जो भी रही हो संदेश यही जाता है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि आप अज्ञान में एक ऐसी मतलब एक पूरी पूरी मतलब एक पूरी आधी जनसंख्या को अगर आप बदनाम कर देते हैं, उठा के सीधे बता देते हैं कि टेलीविजन में तो लड़कियां ऐसे ही होती हैं, ऐसी नहीं ऐसे होती ही हैं बात साहब, है ठीक है ना? बात कभी कभी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, कभी टेलीविजन में आके वर्किंग देख लीजिए। दरअसल ये इसलिए होता है कि टेलीविजन न्यूज चैनलों की वर्किंग पर बहुत ज्यादा अभी लिखा नहीं गया है। तो जी दो चीज लोग बोलते हैं, अरे टीआरपी के लिए सब हो रहा है, अब उनसे टीआरपी पूछ लो तो कुछ पता नहीं होता उनको। तो ये फैलेसी के शिकार हमारे मनोरंजन की दुनिया के लोग हैं। ठीक बात है। एक और चीज मैं फिर से उस पर आता हूँ, जो आपने कहा कि महिलाओं को इस तरह से चित्रित करते हैं और जानबूझ के करते हैं, एक तरह से अपमानित करते हैं, जो पूरी की पूरी कहीं फिल्म का जो थीम है वो
वो हिंदू धर्म प्रतीक उन पर तो निशाना साधता ही है, जो हमारे समाज में सामान्य सौहार्द है, मतलब जो प्रेम का जो दृश्य दिखाया गया प्लेटफॉर्म पर, जय श्री राम कहते हुए लोग जाते हैं, और मेरी याद में नहीं आता है, और मैंने मेरे छोटे भाई ने भी लगभग यही टिप्पणी मुझसे की कि क्या कभी ऐसा संभव है कि कोई मुस्लिम अपने टिफिन खोले और किसी हिंदू महिला को उल्टी आने दे। ये एक बड़ा विभत्स दृश्य है, क्योंकि इसको मैं मतलब विभत्स कम से कम कहूंगा, और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इससे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज में सामान्य चीजें हैं उसको आप खांचे में बांध कर देख रहे हैं। दरअसल इनको भारतीय समाज का पता नहीं है, समाज से कटे हुए लोग हैं ये इनको जो ये लिख रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हिंदू मुसलमान के मोहब्बत की प्यार की जड़ें कितनी गहरी हैं इस समाज में। मैं तो उस गांव में रह चुका हूं जहाँ के मुतवल्ली मुसलमान हुआ करते थे, और खाने पीने में, शादी ब्याह में सब में संबंध होते थे। वो अपना खाना खुद बनाते थे, दूसरों के लिए खाना बनाते थे। इनको ये क्या है कि ये 10% इंडिया को पूरा भारत समझ लेते हैं, बना हिंदुस्तान लेते समझ लेते हैं, है ना, और उसी के आधार पर ये बना लेते हैं। और दरअसल ये मुसलमानों की पैरोकारी करते करते इस जाल में फंस जाते हैं जहां ये मुसलमानों का अहित कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे वामपंथी मित्र हैं उन्होंने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया इस देश में। उनके नाम पे राजनीति की इन्होंने, और उनके नाम पे तमाम तरह के ग्रांट्स लिए इन्होंने, तमाम तरह के पैसे उठाए इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से, उनके लिए किया कुछ नहीं। मतलब आप अनंत, 1 मिनट का, 10 सेकंड का और वक्त दे दीजिए, मैं नहीं एक मैं आपको एक एक उदाहरण। सवाल जोड़ देता हूं इसी से जुड़ा हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगता है कि नेताओं ने अपनी राजनीति में मुसलमानों का डर बनाया, मुसलमानों में डर बनाया और मुसलमानों का डर बनाया और खूब सत्ता लाभ लिया, तो आप ये कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा सत्ता लाभ ये दूसरी वाली बिरादरी है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं लेफ्ट लिबरल या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, वैसे इंटेलेक्चुअल तो सब होते हैं जो भी बुद्धि की बात करें, वो कॉपीराइट वाले, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए ये सब किया। सर मेरा तो ये मानना है कि नेता तो वोट लेने के लिए वो काम करते हैं, उनका तो लक्ष्य स्पष्ट है, और जो जनता है उनको ये पता है कि ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो इनका उद्देश्य और ध्येय ये है। जो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो जब ये काम करते हैं तो वो एक कैमोफ्लेज तरीके से करते हैं। वो आवरण कुछ और होता है और उद्देश्य कुछ और होता है उनका। वो आवरण ये लिए रहते हैं कि हम मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं, मुसलमानों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं तो ऐसे कई एनजीओ को जानता हूं जो शिक्षा की आड़ में धर्म प्रचार का काम करते हैं, और लंदन की एजेंसी है और उनको फंड होता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दरअसल वामपंथियों का जो ये एक नारा है ना कि जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, जो दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। और जब मैं वामपंथी कहता हूं तो इसको बुद्धिजीवी समझिए। साहित्य एकेडमी के 60-65 साल के इतिहास में, आज महाभारत शुरू हुआ दूरदर्शन पे तो सबको राही मासूम रजा की बहुत याद आई, बहुत सेकुलर उनको करार देने लगे, लेकिन जब राही मासूम रजा साहब ने आधा गांव लिखा तो साहित्य एकेडमी ने उसको अवार्ड देने के लायक नहीं समझा। जब शानी ने काला जल लिखा तो साहित्य एकेडमी ने उसको अवार्ड देने लायक नहीं समझा। जब मंजूरू एहतसाम ने सूखा बरगद लिखा तो उसे अवार्ड नहीं मिला। जब ये अपने अब्दुल बिस्मिल्ला ने झीनी झीनी बीनी चदरिया लिखा तो उसको अवार्ड नहीं मिला। जब असगर वजाहत ने इतने इतने अच्छे नाटक लिखे, इतने अच्छी कहानियां लिखी, उसको उपन्यास के लायक नहीं समझा। लेकिन जब इनको अपनी राजनीति चलानी होगी तो यही 5-6 नाम याद आएंगे, इनको आगे कर देंगे, उसकी आड़ में पीछे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये लोग साहित्य, ये जो विचारधारा के खेल में जो ये बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, दरअसल ये महाभारत के शिखंडी की याद दिलाते हैं कि अगर किसी सामने बड़े योद्धा का वध करना है तो सामने शिखंडी को खड़ा करो और उसकी आड़ में आप प्रहार करो। तो ये जो वेब सीरीज की बात हम पाताल लोक की कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो प्रकारांतर से आपको यही खेल नजर आएगा। खेल लक्ष्य कुछ और है, सामने आपको दिखाया जाएगा ये टेलीविजन की दुनिया है, इसमें ये ऐसा चलता है, इसमें संपादक ब्लैकमेलर होता है, वो वुमेनाइजर होता है, वो शराब पीता है, उसकी मतलब कुछ उद्देश्य क्या है,
उद्देश्य है अपनी विचारधारा को मजबूती देना। समाज को बांटने के लिए आप सिस्टम को बदनाम मत करिए। मैं तो हाथ जोड़ के लोगों से गुजारिश कर चुका हूं कि आपने पूरे सीबीआई को इस सीरीज में सांप्रदायिक करार दे दिया। सांप्रदायिक ही नहीं, एकदम से इस तरह से कह दिया कि जैसे सीबीआई का काम ही सिर्फ यही है कि वो अलग अलग नेताओं, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं उनको आईएसआई का या आतंकवादी साबित करे। नहीं, अगर मुसलमान है तो आईएसआई तो बगैर जांच किए बता दो उसको जी। अगर कोई भी आरोपी मुसलमान है तो उसकी चिंता न करो कि वो आरोपी है भी नहीं है, उसको सीधे सीधे आप आईएसआई से जोड़ो और अंदर डाल दो। ये बहुत खतरनाक खेल है हर्षवर्धन जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीति के लिए पूरे सिस्टम को, आपने पुलिस को क्या बताया, थाने में जिस तरह का संवाद चार पुलिस वालों के बीच में दिखाया गया है, जब हाथीराम भी बोल देता और अंसारी उसके बगल में खड़ा होता है, जिस तरह का संवाद वहां पे दिखाया गया है, होते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हैं, उसका सामान्यीकरण कर देना और सामान्यीकरण करके ये कहना कि पुलिस वाले तो ऐसे ही बात करते हैं। और मुझे तो अफसोस हमारे उन मित्रों पे आता है जो लहालोट हो रहे हैं कि जाने पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, कितना बड़ा सीरीज बना दिया और किस सत्य का उद्घाटन कर दिया जो सत्य आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद अब तक दबा हुआ था। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे पढ़े लिखे मित्र, लेकिन फिर सोचकर अपनी तकलीफ को मैं इसलिए दबा देता हूं कि वो तो विचारधारा के हाथों मजबूत हैं, मजबूर हैं, उनकी तो दीक्षा ही यही हुई है, उनके सामने लक्ष्य और उद्देश्य यही, उनको घुट्टी पिलाई गई है तो वो अपना काम कर रहे हैं। एक एक और जो कहें कि एक तरह से लगभग आखिरी सवाल होगा, इसके बाद बस एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। जो आपने कहा कि पूरे तंत्र को बदनाम कर दिया, तो उसमें के चारों जो चरित्र हैं वो, यानी 45 हत्या करने वाले हथौड़ा त्यागी को भी महान त्यागी बता दिया गया, उसमें जितने भी अपराधी हैं सबको ये कहा गया कि सबको समाज ने इतना बुरा कर दिया है, हो रहा होगा जो आपने अभी बात की कुछ जगहों पर हो रहा होगा, लेकिन क्या कुछ बहुत न्यूनतम प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर ये जो सीरीज है, ये धार्मिक जो भड़काए भड़काना है वो काम तो करती है, समाज को पूरी तरह से बांटने की हर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो बड़ा लक्ष्य जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए शायद कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, जमीन पे कोई उनसे जुड़ नहीं रहा, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके नेताओं के पास, वैचारिक जो नेता है उनके पास कोई आंदोलन नहीं है, तो क्या अब इसके लिए समाज को बांटने की कोशिश जो इस तरह के चरित्र बनाते हो? सर, समाज को बांटने की कोशिश अपने अप्रासंगिक होने के बाद नहीं कर रहे, इनके मूल चरित्र में ही समाज को बांटने का है। भारत में अंग्रेजों ने वो नहीं किया, बांटो और शासन करो, दरअसल वामपंथियों ने ये शुरुआत की है। आप इसकी अगर आप देखें तो आजादी के पहले से आपको ये नजर आएगा, इनको बड़ा आसान लगता है, कभी हिंदी उर्दू को लड़ा दो, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, कभी तमिल और हिंदी को आमने सामने खड़ा कर दो, कभी तेलुगु और हिंदी को, कभी तेलुगु और तमिल को, मतलब इनको बहुत मजा आता है क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस ही इस बंटवारे पर चलता है। अगर ये बांटे ना, अगर ये लोगों को बांटे ना, और एग्जिस्टेंस बंटवारे पर चलता, और दूसरा ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि छोटी सी बात को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको ये सर्वे वाले सिद्धांत पे काम करते हैं, मुझे लगता है कि सैंपल साइज 10 का रखेंगे और पूरे भारत का आकलन कर लेते हैं, यही वजह है कि सैंपल हमेशा बहुधा चुनाव में फेल होते हैं जी। और इनका इनका भी यही तरीका होता है कि एक घटना कहीं हुई, अगर एक तबरेज कहीं कोई मारा गया वो अपराध है, वो एकदम अक्षम्य अपराध है, बिल्कुल है ना, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक किसी की हत्या हो गई तो उसको लेके आपने वही मल्टीप्लाई किया कि एक, या भारत में मुसलमानों की संख्या 25 करोड़ है तो 1 × 25 करोड़, ओहो मुसलमान खतरे में आ गया, नहीं वो भी हिंदुस्तानी है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे कि तबरेज नहीं, एक भारतीय मारा गया है और एक भारतीय ने दूसरे भारतीय की हत्या की है, तमाम तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन चूंकि आपकी राजनीति उस पर आधारित है इसलिए आपकी जुबान तालू से चिपक जाती है, उसको किसी मुसलमान को भारतीय कहने में, वहां आप उसको मुसलमान 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 कह के इतना उभार देते हो, लेकिन जब साहित्य अकेडमी में अवार्ड देने की बारी आती है तो आपको अपना कोई स्वजातीय याद आ जाता है, वहां कोई मुसलमान याद नहीं आता।
बस आखिरी सवाल सर, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा रही, आखिरी सवाल कि क्या सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन करना चाहिए, इसकी जरूरत दिखती, क्योंकि जिस तरह से समाज को बांट रहे हैं, जिस तरह से प्योर एजेंडा इम्पोज कर रहे हैं, उसमें क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल है, स्वनियमन इसका इलाज नहीं है। आप तो टेलीविजन से बहुत गहरे जुड़े हैं, टेलीविजन ने भी देखा है कि स्वनियमन से कितनी तरह की दिक्कतें होती हैं। मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूं, लेकिन एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेट्स डिसाइड करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो मुझे लगता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ओटीटी के लिए बनाना जरूरी है, जिसमें इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व हो, कलाकारों का प्रतिनिधित्व हो, समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, और एक कोई जुडिशियरी को का जानकार हो जो अगर किसी कानूनी दांव पेच से कुछ होता है। हाँ, इतना जरूर करना चाहिए कि इसके सरकारी अफसरों से मुक्त रखना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी, एक अच्छी चर्चा हो गई। और एक चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम बीच बीच में यहाँ साहित्यिक कला जगत की चर्चा नियमित करते रहेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से बहुत सी बातों को बताया, आप लगातार क्योंकि लिखते रहते हैं, और आपकी किताब मानसवाद का सत्य, उसको जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा, वो जरूर पढ़ना चाहिए, और फिर हम किसी बहुत ऐसे धन्यवाद, विषय पर आपसे जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने मौका दिया, आपका आभार।